हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार कश्यप यूट्यूब के माध्यम से मेडिसिन प्लांट्स चैनल इंडिया पे। आज हम लोग औषधीय वनस्पति लघु कंठकरिका के बारे में जानकारी लेते हैं। लघु कंठकरिका जो है मित्रों, वो बहुत ही दिव्य औषधि है। इसका जो है स्वरूप जो होता है प्राकृतिक रूप से इस कांटेदार होता है, और इसके फल जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं, बिल्कुल है ना गोल गोल जैसे वीडियो के माध्यम से दिखा रहा है। और इसके जो फूल हैं वो जो है इस प्रकार से लगते हैं नीले, है ना, और ऊपर में हल्का सा इस प्रकार से रहते हैं मंजरी जैसे, ठीक है। और दूसरा जैसे है इसका पूरा स्वरूप जो है वो पूरे कांटों युक्त रहते हैं, है ना। अब पहले जैसे ये जो फल सामने दिख रहे हैं वो पके हुए हैं, इसके लघु कंठकरिका के प्रारंभिक अवस्था में इसके ऐसे रहते हैं हरे, है ना, और जब ये पकते हैं तो पीले हो जाते हैं, कच्चे में हरे और पकने में पीले हो जाते हैं, ठीक है मित्रों। और इसके अंदर जो छोटे छोटे बीज निकलते हैं टमाटर के बीजों के जैसे, है ना, और इसको लघु कंठकरिका बोला जाता है। वैज्ञानिक भाषा में इसको 16 नाम सूरा रेंटेस सूरा 16 नाम सूरा टेंस बोलते हैं इसको। और इसका जो ज़्यादा औषधीय प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, जैसे कहने का मतलब है कि इसका औषध पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। पंचांग जैसे फूल हो गया, फल हो गया, और तना और जड़ वाले भाग, है ना, इसके जो मूल वाले जड़ वाले भाग होते हैं, ठीक है। पूरा स्वरूप इसका कंटीला होता है, फिर भी इसका इसके अंदर औषधीय गुण भरपूर है मित्रों, है ना, बहुत ही दिव्य औषधि है। अब इसके बारे में जैसे औषधीय गुणों के बारे में जानकारी बता दूँ कि इसका पंचांग का प्रयोग कर सकते हैं। इसका जो औषधीय गुण है या इसका स्वाद जो है, स्वाद इस प्रकार से है, कसाए या तिक्त प्रकार से इसका स्वाद है। और इसका जो आयुर्वेद में औषधीय प्रयोग किया जाता है बायोमेडिकल क्षेत्र में, तो इस प्रकार से है मित्रों, जैसे चर्म रोग, है ना, दांत खाज खुजली एक्जमा जैसे चर्म रोग की बीमारियां जो होती हैं उन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, खास तौर पे इसके बीज के तेल, है ना, और इसके फूलों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। अब उसके बाद होता है जोड़ों का दर्द गठिया जैसी बीमारियों में भी इसका औषधीय प्रयोग किया जाता है। दांत के दर्द, है ना, और पानी का ठंडा गर्म लगना, है ना, उस प्रकार से इसका औषधीय प्रयोग इसका किया जाता है मित्रों, है ना। उसके बाद ज्वर बुखार के रोग, है ना, पीलिया का रोग, पीलिया जो जॉन्डिस जैसी बीमारी जो होती हैं, जो पीलिया जैसी बीमारी होती हैं आँख, तो उस पीलिया जैसी बीमारियों को भी दूर करने में रामबाड़ा औषधि का काम करता है मित्रों, है ना। सिर दर्द के जैसी बीमारियों को भी रामबाड़ा औषधि है, अधकपारी जैसी बीमारियों को। और इसमें लकवा पैरालिसिस, और लकवा कहीं किसी को मारा हुआ है खासतौर पे, तो हाथ के लकवा, पैर के लकवा, चेहरे के लकवा जिससे हल्का टेढ़ापन आ जाता है चेहरे में, तो उस प्रकार से अवस्था में इसका जो ये जो है मित्रों, है ना, इसके बीज का जो तेल निकलता है उसका प्रयोग करते हैं अलसी के तेल में मिला के। तो जिससे कहा होता है उसकी मालिश करने से उसके जो मरे हुए जो हमारे कोशिकाएं जो होती हैं लकवा मारने से, वो उसमें मतलब पुनर्जीवित हो जाते हैं और लकवा हमारे ठीक होने लगता है मित्रों, है ना। नसों का तड़कना इसमें और नसों का गठा जैसा बनना, कठोर बनना, उस प्रकार से रोगों में भी इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है ना, बहुत ही दिव्य औषधि है। उसके बाद है जैसे धातुक रोग, वीर्य संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, वीर्य दोष संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं, नपुंसकता जैसी बीमारियाँ, उस जैसे बीमारियों को भी वीर्य दोष संबंधित बीमारियों को भी दूर करने में सहायक है ना, बहुत ही दिव्य औषधि है मित्रों, है ना। तो अब इसका जैसे औषधि पर मैं बता दिया कि चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, दांत दर्द, ज्वर बुखार रोग, पीलिया के रोग, सिर दर्द, अधकपारी के रोग, लकवा रोग, है ना, पैरालिसिस जैसी बीमारियाँ, गंभीर से गंभीर बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है मित्रों, है ना, बहुत ही दिव्य औषधि है। और वीर्य दोष संबंधित जो बीमारी होती है उनमें भी इसका रामबाण प्रयोग किया जाता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से आज के विषय में था लघु कंठकरिका, वैज्ञानिक भाषा में इसको 16 नाम सूरा टेंस बोला जाता है मित्रों, बहुत ही दिव्य औषधि है। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।